हेलो ट्रेडर्स, कई लोग कमेंट किया है मैं ट्रेड कहाँ पे लेता हूँ, तो उन लोगों के लिए और जो शेयर मार्केट में बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए ये है सिर्फ बुलिश चार्ट पैटर्न। इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। इस पैटर्न का नाम है फ्लैग पैटर्न। यहाँ इसका एंट्री बनेगा यहाँ पे, जब ये हाई क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और इसके लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और इसका टारगेट रहेगा लगभग 1:2, 1:3, मिनिमम 1:2 तो रहता ही है। और इसको कहते हैं वेज पैटर्न। और इस स्विंग के ऊपर इसका एंट्री पड़ेगा, जस्ट इस स्विंग के ऊपर निकलते ही इसका एंट्री लाइन है और इसका टारगेट 1:2 और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे। और नेक्स्ट जो चार्ट पैटर्न है उसका नाम है एसेंडिंग ट्राइंगल। और इसका जो एंट्री पॉइंट है ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते ही इसका एंट्री पॉइंट है। आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर एंट्री है और लास्ट स्विंग पे इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब सभी जानते हो हेड एंड शोल्डर, उसका उल्टा जो हेड एंड शोल्डर के जो अपर साइड है वहाँ पर एंट्री बनेगा और उसका टारगेट रहेगा इस हाइट के आधे पे, 50% पे। और यह है कप एंड हैंडल। इस चार्ट का नाम है कप एंड हैंडल। यह कप है, इसका हैंडल है और इस हैंडल के ऊपर ही इसके एंट्री है और हैंडल के ऊपर एंट्री होने के इसका आधे पे इसका स्टॉप लॉस है। यह हैंडल का आधे पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और यह है मेरा फेवरेट डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न का हाई स्विंग के ऊपर ही इसका एंट्री बनेगा और इसका टारगेट रहेगा 1:2, 1:3, कभी कभी 1:4 भी चला जाता है इसका टारगेट। बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है और बुलिश पैटर्न दिखाता है। तो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ये मेरा छः फेवरेट बुलिश चार्ट पैटर्न है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करो और मैं इसका लाइव मार्केट एग्जांपल भी शेयर करूंगा। थैंक यू।